तो कैसे मैंने अपनी वियतनाम की ट्रिप को बहुत ज़्यादा सस्ते में और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी आइटनरी बताने वाला हूँ और बजट भी बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे, बढ़िया? तो शायद अभी तक आपने वियतनाम की सीरीज़ को तो देख ही लिया होगा। पूरी सीरीज़ को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वियतनाम का वीज़ा कैसे लेना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर घूमना है, कैसे घूमना है और कहाँ पर क्या खाना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि वियतनामी फूड खाया नहीं जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कहाँ पर इंडियन फूड अच्छा मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो वियतनाम की, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, आइटनरी बताने वाला हूँ और बजट बताने वाला हूँ कितना होने वाला है। और इस वीडियो के बीच में मैंने 7 डेज़ की एक आइटनरी भी बनाई है, क्योंकि मैं वियतनाम गया था 12 नाइट्स और 13 डेज़ के लिए। तो इतने दिन के लिए हर कोई तो जा नहीं सकता, मुझे भी पता है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल आइटनरी बनाई है 7 डेज़ की। तो मैं वियतनाम 13 डेज़ और 12 नाइट्स के लिए गया था। किसी भी कंट्री को घूमने के लिए आपके पास वहाँ का वीजा होना बहुत जरूरी है। तो वियतनाम का ई वीजा आपको 2,200 रुपीज में ऑनलाइन मिल जाता है। ई वीजा निकालने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना और यहाँ दी गई सब इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल कर देना। आपको 2,200 रुपीज का पेमेंट कर देना है, उसके बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका ई वीजा मिल जाएगा। मैंने इंडिया से वियतनाम आने और जाने का फ्लाइट का टिकट वियतजेट एयरलाइंस का निकाला था, जिसका कॉस्ट मुझे 24,000 रुपीज आया। हमारे इंडिया का 1 रुपीज वियतनाम का 290 डोंग बनता है। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। ई वीजा निकालने के वक्त आपको होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले ई वीज़ा अप्लाई कर देना और जब आपको आपका ई वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद ही फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कर लेना। मैंने इंडिया से ही US डॉलर कैरी किए थे, क्योंकि इंडिया में वियतनाम डोंग का एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसलिए फिर मैंने डॉलर्स में इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट कर लिया और वहाँ जाकर मैंने उनको फिर एक्सचेंज करवाया वियतनाम डोंग में। इस सब की प्रोसेस मैंने अपने व्लॉग्स में दिखा रखी है, जो कि प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं वियतनाम 13 डेज और 12 नाइट्स के लिए गया था, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में वियतनाम के होचिमिन सिटी में बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट के पास मैंने अपना स्टे बुक करवा रखा था। तो यहाँ पर मैं 3 डेज और 2 नाइट्स के लिए रुका हुआ था। तो फर्स्ट डे मैंने यहाँ की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर किया और सेकेंड डे सुबह मैं निकल जाता हूँ GADD ट्रैवल के साथ कुची टनल एंड मेकोंग डेल्टा को एक्सप्लोर करने के लिए। कुची टनल सच में बहुत ज्यादा यूनिक प्लेस है। यहाँ पर आपको टनल्स देखने के लिए मिल जाएगी जो कि वॉर के वक्त यूज किए हुए थे। और मेकोंग डेल्टा भी बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, जहाँ पर आप इतने खूबसूरत व्यूज को देख सकते हो। फिर थर्ड डे मैंने यहाँ की सिटी को एक्सप्लोर किया, जो कि सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वियतनाम में आप यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हो, पर मैंने यहाँ बस इंडियन फूड खाया। आपको यहाँ पर हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट में आपको 1,50,000 VND डोंग में चिकन बिरयानी मिलेगी और मसाला चाय अगर आप लेने जाओगे तो 30,000 VND डोंग में आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी दानांग के लिए। तो होचीमिन से दानांग जाने का ट्रेन का टिकट मुझे लगभग 4,500 रुपीज लगा, सेकंड स्लीपर AC का। यहाँ पर ट्रेन टिकट्स थोड़े महंगे, बट जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको मिलेगा। आप अगर बाय फ्लाइट जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा चीप में टिकट मिल जाएगा, बट मुझे जर्नी का एक्सपीरियंस करना था इसलिए फिर मैंने ट्रेन जर्नी को चूज़ किया। इसका भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दानांग और होइयान वियतनाम की बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस है। यहाँ मैं 3 डेज और 3 नाइट्स के लिए रुका था, जिसमें मैं फर्स्ट डे होइयान में रुका था। दानांग और होइयान में 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पर बाइक टैक्सी मिल जाएगी। जहाँ मैंने यहाँ की खूबसूरत लैंटन सिटी को एक्सप्लोर किया, होइयान के लैंटन सिटी में आप यहाँ पर बोट राइड भी ले सकते हो। आपको यहाँ पर हर जगह लैंटर्न्स देखने मिल जाएंगे। कुछ पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा वियतनाम के लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ में यहाँ की बास्केट बोट राइड को भी एंजॉय किया। और लास्ट 2 डेज मैंने दानांग के बाना हिल्स और सिटी को एक्सप्लोर करने में स्पेंड किया। दानांग के बाना हिल्स में जाने के बाद आपको हैरी पॉटर मूवी की याद आ जाएगी, क्योंकि यार ये जगह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वियतनाम के सिटी के अंदर घूमने का सबसे बेस्ट वे है यहाँ की बाइक टैक्सी।
जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर है, वैसे यहाँ पर ग्रैब टैक्सी चलती है। ग्रैब ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। वियतनाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे वियतनाम में बिल्कुल भी मत जाना। फिर दानांग और होयन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं वहां से बस बुक कर लेता हूँ हनोई की। हनोई वियतनाम की कैपिटल है, तो मुझे बस टिकट पड़ा था 1500 रुपीस का, और ये भी जर्नी ओवरनाइट जर्नी थी। तो वियतनाम के कैपिटल हनोई में मैंने 4 नाइट और 5 डेज का स्टे बुक करवा रखा था, जिसमें फर्स्ट डे मैंने यहाँ की सिटी को एक्सप्लोर किया। सच कह रहा हूँ, यहाँ की सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो सिटी एक्सप्लोरेशन में मैंने यहाँ का ट्रेन स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं चला जाता हूँ होआलो प्रिज्म में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा वियतनाम के। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, जो कि वियतनाम का बहुत ज़्यादा पुराना एक चर्च है, और अगर आप इसको देखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर सेकंड डे मैं यहाँ की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे होचिमिन सिटी में आपको बुयान वॉकिंग स्ट्रीट के पास नाइट लाइफ देखने मिलेगी, वैसे ही आपको वियतनाम के कैपिटल हनोई में बियर स्ट्रीट नाम से एक नाइट लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने अपना हॉस्टल हनोई में बियर स्ट्रीट के एग्जैक्ट पास में ही बुक करवा रखा था, और यह हॉस्टल भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। थर्ड डे मैंने यहाँ के हेलोंग बे को एक्सप्लोर किया, और सच में इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये प्लेस वियतनाम की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से है। और फोर्थ डे मैंने यहाँ पर मसाज भी ट्राई किए, और साथ में मैंने यहाँ का नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया, जहाँ आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हो। आपको इनके नाइट मार्केट में हर एक चीज बहुत ज्यादा सस्ती मिलने वाली है। इतना सब घूमने के बाद मैंने अपने ट्रिप के लास्ट 2 डेज सापा में स्पेंड किए। वियतनाम जाने से पहले मैंने इंडिया से ही 4 टूर्स बुक करवा रखे थे वियतनाम के एक लोकल टूर कंपनी से, जिसका नाम है GADT ट्रैवल। तो सबसे पहले टूर मैंने बुक करवा रखा था होचिमिन सिटी के कुची टनल एंड मेकोंग डेल्टा का, उसका भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सेकेंड टूर मैंने बुक करवा रखा था बाना हिल्स का, बाना हिल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लेस है। थर्ड टूर मैंने बुक करवा रखा था हेलोंग बे का, जो कि वर्ल्ड 7 नेचुरल वंडर्स में से एक प्लेस है। और फोर्थ नंबर का टूर जो मैंने बुक करवा रखा था वो था सापा का। सापा भी बहुत ज्यादा वियतनाम की खूबसूरत प्लेस है। आप सापा को वियतनाम का एक विलेज भी कह सकते हो। तो अभी तक आपको 13 डेज और 12 नाइट्स की आइटनरी तो पता चल गई हुई, तो अभी स्टार्ट करते हैं 7 डेज आइटनरी को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो लोग ज़्यादा दिन के लिए वियतनाम नहीं जा सकते। तो वियतनाम में मैंने मोबीफोन कंपनी का सिम कार्ड लिया था, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 680 इंडियन रुपीज़ में, और 30 डेज की वैलिडिटी मिली थी, जिसमें मुझे अनलिमिटेड डेटा मिला था। तो अगर आप भी वहाँ पर जाओगे तो ये सिम कार्ड ले सकते हो। मैंने ये सिम कार्ड मार्केट से लिया था, आपको ये सिम कार्ड एयरपोर्ट पर भी मिल जाएगा सस्ते में ही। तो वियतनाम के 7 डेज आइटनरी में आपके 2 दिन फ्लाइट के पकड़ने हैं आपको, इंडिया से वियतनाम जाने का और वियतनाम से इंडिया वापस आने का। 5 डेज आपके पास रहते हैं, तो इन 5 डेज में आप 2 डेज होचिमिन सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो और 3 डेज हनोई को। तो इंडिया से जब आप होचिमिन सिटी की फ्लाइट लोगे तो फर्स्ट डे जाते ही आप यहाँ की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर सेकंड डे सुबह उठकर आप यहाँ की कुची टनल और मेकोंग डेल्टा के टूर को बुक करके जा सकते हो, उसमें आपका आधा दिन निकल जाएगा। और शाम को वापस आने के बाद आप यहाँ का नाइट मार्केट और नाइट सिटी का व्यू एक्सप्लोर कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। फिर थर्ड डे सुबह आप यहाँ का सिटी एक्सप्लोर करके फ्लाइट पकड़ के हनोई चले जाना, जो कि वियतनाम की कैपिटल है। आपको दानांग और होयन को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि 5 डेज में आपका इतना ज्यादा घूमना तो नहीं हो सकता, बट आप वियतनाम की फाइनेंशियल कैपिटल होचिमिन और वियतनाम की कैपिटल हनोई को जरूर घूम सकते हो। हनोई पहुंचते ही आप वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर लेना बियर स्ट्रीट, जो कि मैंने आपको बता रखी है। फिर 4th डे को आप सुबह उठकर हेलोंग बे के टूर को चले जाना, जिसमें आपका पूरा डे चला जाता है। आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। और 5th डे को आप हनोई के सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो और रात में यहाँ के नाइट मार्केट को। तो ये थी आपके लिए एक स्पेशल आइटनरी 7 डेज के लिए, जिसमें आप वियतनाम बहुत ज्यादा अच्छे से घूम सकते हो। हाँ, मुझे पता है दानांग और होयान भी बहुत ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, बट यार 5 डेज में इतना सब कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सापा तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि सापा जाकर आने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम जाता है।
तो गाइज आई होप कि आपको वियतनाम की 7 डेज की आइटनरी भी अच्छी लगी होगी। और जो लोग जाना चाहते हैं ना तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देख लेना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, हर एक का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको शॉर्ट में भी जानना है इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट जर्नी को डालते रहता हूँ। और जहाँ पर भी मैं इंडिया में घूमता हूँ तो इंडिया का हर एक शॉर्ट मतलब रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, और उन्हीं को फिर मैं बाद में शॉर्ट्स में भी डालता हूँ, तो पर इंस्टाग्राम पर पहले आती, तो जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मैं और नए नए कंट्रीज़ के वीडियो लाने वाला हूँ बजट में, जहाँ पर आप लोग भी घूम सकते हो और मैं भी घूमूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्दी एक नए कंट्री के साथ और एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पर। Quiero pero no lo es, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad.